नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल गर्भगीता प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग। आज का वीडियो अबाउट द हॉट टॉपिक मोबाइल एंड द स्क्रीन टाइम। सभी मॉम्स के कान ऐसे खड़े हो गए होंगे बिकॉज दिस इज अ रियली कंसर्निंग टॉपिक। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग मोबाइल अपने बच्चों को दे रहे हैं या तो कोई भी स्क्रीन दे रहे हैं, जैसे टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी स्क्रीन हो गया, तो इसके प्रिकॉशंस क्या है कि इसका हार्म कम से कम बच्चों को हो, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और दूसरा देखने वाले हैं कि क्या ट्रिक्स है जिसकी वजह से हम लोग उनका थोड़ा मोबाइल वगैरह अवॉइड कर पाएंगे। ओके, और मतलब ये लॉकडाउन की वजह से तो ऐसा हुआ है कि हम लोग मोबाइल उनको या स्क्रीन टाइम नहीं दे, ऐसा तो ऑप्शन ही बचा नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि उनके स्कूल ही अभी लैपटॉप या मोबाइल पे चल रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम तो उनका हो ही रहा है। तो इसमें मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी कि क्या रेमेडीज है जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है, बैड इफेक्ट आता है स्क्रीन टाइम का, वो कैसे कम किया जाए। तो वीडियो एंड तक देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोबाइल का जो यूज है वो बच्चों को जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे ही एक हेल्दी रूटीन रखिए कि सपोज 15 मिनट, तो 15 मिनट कट ऑफ टाइम है कि 15 मिनट के बाद मोबाइल नहीं देखना है। एंड दिस इज स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरटेनिंग चैनल्स। कोई चैनल्स बच्चे देख रहे हैं तो स्टडी है, तो वो आधे घंटे का लेक्चर है, सो दे नीड टू अटेंड दैट हाफ एन आवर लेक्चर, देयर वी कांट हैव एनी ऑप्शंस। बट इफ किड्स आर वॉचिंग एनी अदर थिंग विच इज लाइक अ एंटरटेनमेंट, तो सेट अ हेल्दी रूटीन कि ओके 15 मिनट्स का टाइमर आप लगा दीजिए, ये टाइमर बंद होने के बाद आपको मोबाइल बंद करना है। अगर आपने ये बंद किया मोबाइल तो ही नेक्स्ट टाइम मम्मा आपको मोबाइल देने वाली है जब भी आप मांगने वाले हो। सो दिस गिव दिस अ स्ट्रेट मैसेज कि अगर आपने कट ऑफ टाइम रखा तो ही नेक्स्ट थोड़े देर के बाद या इवनिंग में, सपोज मॉर्निंग में देख रहे तो इवनिंग में आपको मोबाइल फिर से 15 मिनट्स देखने को मिलेगा। अगर ये आपने कट ऑफ टाइम नहीं रखा तो बच्चे कंटिन्यूस एक एक दो दो घंटे मोबाइल देखते रहेंगे। ओके, सो दिस वाज अ फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप, अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है तो कभी भी बच्चे को मोबाइल हाथ में पकड़ के नहीं देखना। आई रिक्वेस्ट यू पेरेंट्स कि प्लीज फॉलो दिस स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, सी नेटवर्क तो सब जगह है कि जहाँ पे 4G टावर्स ही अपने रेजिडेंशियल एरिया में लगने चालू हो गए हैं, तो नेटवर्क सब जगह ही है। बट व्हेन इट्स कम टू द इंस्ट्रूमेंट, तो उसके आजू बाजू उसका नेटवर्क का इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाता है। सो इफ दे आर कैरिंग द मोबाइल इन देयर हैंड, तो वो मोबाइल के आसपास उसका इंटेंसिटी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रहता है। सो अवॉइड दिस, दैट रेडिएशन पेनिट्रेट्स देयर बोन्स एंड द ब्लड। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, डोंट गिव दैट मोबाइल इन द हैंड, आस्क देम टू कीप इट समवेयर एंड कीप एटलीस्ट 1 to 2 feet डिस्टेंस एंड लेट देम वॉच। ओके, सो दिस वॉज द टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 है, दैट इज फॉर देयर आइज, कि अगर बच्चा वीडियो या कोई भी स्क्रीन देख रहा है सो कॉल आउट देयर नेम, और उनको बीच बीच में कुछ ना कुछ इरिटेट कर दे रही है लिटरली। मीन्स सपोज इफ आई एम वॉचिंग समवेयर कॉन्स्टेंटली, तो वो आईसाइट उनकी एक जगह से दूसरी जगह मूव होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कॉन्स्टेंटली ऐसे ही देख रहे हैं, सो इफ़ यू कॉल आउट द नेम, सपोज मेरे अभी बेटे का नाम है कश्यप, सो इफ ही इज वॉचिंग समथिंग ऑन द मोबाइल और द टीवी, सो आई मेक श्योर कि हर तीसरे चौथे मिनट में मैं उसका नेम कॉल आउट करूँ और वो मोबाइल छोड़ के मेरे पास देखे, देन ही विल अगेन लुक एट द मोबाइल। सो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो आइज के ऊपर स्ट्रेन आता है कि एक ही जगह जगह देखने का, वो उससे कम हो जाएगा। ओके, दिस वॉज अ थर्ड टिप। फोर्थ टिप ये है कि अगर टीवी देख रहे बच्चे, अभी तो ऐसे हो गए कि टीवी बहुत भला है मोबाइल से, तो टीवी अगर बच्चे देख रहे हैं तो टीवी देखते वक्त भी क्या करना है, आपको उनको इधर छोटा सा एक ड्राइंग दीजिए और वो ड्रॉ करते करते कहिए कि टीवी देखना है, और वो मान जाते हैं कि उनको टीवी देखना है तो वो मानेंगे ही कि ये एक्टिविटी आप करो तभी आपको टीवी देखने को मिलने वाला है, सो दे विल लिसन टू यू। सो उससे क्या होता है कि दैट ऑल्सो सेम वर्क एज अ कि आई कॉन्टैक्ट उनका, कि वो टीवी देख रहे हैं फिर थोड़ा नीचे देख रहे हैं, फिर टीवी देख रहे हैं थोड़ा नीचे देख रहे हैं, दे आर नॉट कंटिन्यूसली स्ट्रेनिंग देयर आइज। ओके, या तो फिर उनको प्लेट में छोटा कुछ तो खाने के लिए दीजिए, चूड़ा दीजिए या कुरमुरा दीजिए, सो व्हाइल ईटिंग दे विल लुक डाउन, दे विल लुक अप। सो ये एक तरीके का एक्सरसाइज हो जाएगा उनके आइज के लिए, दे विल नॉट स्ट्रेन देयर आइज। ओके, नेक्स्ट टिप है कि आप कभी भी मोबाइल या लैपटॉप उनको लगा के दे रहे हैं तो
ये मेक श्योर कीजिए कि वो डिस्टेंस प्रॉपर रहे कभी भी, कि ऐसे नहीं कि कोई कोई बच्चे मैंने देखे हैं कि लिटरली दे कीप देयर मोबाइल लाइक दिस और वो देख रहे, सो ऐसा मत कीजिए कि वो डिस्टेंस जो है आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम 1 to 2 feet का डिस्टेंस रख के ही उनको जो भी स्क्रीन टाइम है वो देना है। जब हम लोग बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हैं तो वी नो कि वेयर एंड टेयर बहुत होगा उनका, उनके बोन्स नीड टू बी स्ट्रांग, तो हम लोग क्या करते हैं उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। सो वैसे ही हम लोग को बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है आइज के बारे में, कि बच्चे अगर स्ट्रेन कर रहे हैं उनके आइज, तो उनके आइज को भी थोड़ा एक्सरसाइज करना रोज के रोज जरूरी है। सो आई विल गिव यू 2 simple exercises। एक तो पहले है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी मेरे पास ये पेन है, तो बच्चों को वो हैबिट करना है कि वो पास लेके फिर वो दूर करना है एंड आस्क देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, और फिर वो दूर करना है, फिर पास करना है, फिर दूर करना है, और उनको बोलना है कि यहाँ पे फोकस करना है और जहाँ वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई भी आप पेन ले सकते हैं, स्पून ले सकते हैं, उनके क्रेयॉन्स लेते हैं, व्हाटएवर, वो ऑब्जेक्ट को उनको फॉलो करने के लिए बोलना है, और जिसकी वजह से उनके आई साइट में आगे पीछे होके एक्सरसाइज होगा। ओके, और एक एक्सरसाइज की जिसमें उनको विंडो में वगैरह खड़ा करके जो भी दूर का ऑब्जेक्ट है वहाँ पे देखना है, फिर पास का ऑब्जेक्ट है वहाँ पे देखना है, एकदम दूर का, मतलब विंडो में खड़े कर क्यों रहना कि बहुत दूर का ऑब्जेक्ट आपको देखना है, ये पेन होगा या पास का एक्सरसाइज हो गया, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है, सपोज आगे गार्डन है या तो फिर आगे कोई बिल्डिंग है, सो आज देन कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट बिल्डिंग, देन जस्ट लुक डाउन, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट बिल्डिंग देन जस्ट लुक डाउन, ये आप 15-20 टाइम कर सकते हैं। एंड द अनदर सिंपल वन इज रोटेशन ऑफ द आईज लाइक दिस एंड द अपोजिट वन, ये आप वीडियो देखते देखते आप खुद एक हाथ से कीजिए, कितना रिलैक्स फील होता है देखिए। सो ये एक्सरसाइज है विच स्ट्रेन उनका जो कम हो जाता है आईज का, इसके लिए है स्पेशली, तो ये आप उनके साथ ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जब भी बच्चे दोपहर में नैप ले रहे हैं या तो फिर रात को आप लोग सो रहे, तो उस कमरे में मोबाइल इज नॉट अलाउड। ओके, अगर आप बेडरूम में जाके सो रहे तो तभी आपके घर के सब मोबाइल है वो आप बाहर रखिए, बेडरूम में लेके वो मत सोइए। और अगर आपके घर में वाईफाई है तो प्लीज़ जब भी आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तभी वो स्विच ऑन कीजिए, अदरवाइज वो ऑफ रखिए। ओके, एंड स्पेशली इन द नाइट टाइम तो ऑफ ही रखिए, जब भी आप सोने जा रहे हैं कोई यूज़ उसका नहीं हो रहा तो उसको ऑफ रखिए। और एक मैं ट्रिक करती हूँ बच्चों के साथ, कि अभी तो मेरी बेटी बड़ी है तो शी कैन रीड द नेम्स, लेकिन कश्यप छोटा है तो उसको नाम अभी तक पढ़ने इतने नहीं आते। सो व्हाट आई डू कि जब भी मैं कश्यप को मोबाइल दे रही हूँ तो मैं मेरे दूसरे नंबर से एक 10 मिनट के बाद उस पर कॉल कर देती हूँ, ये नंबर पे। सो ही विल लाइक कि मम्मा समबडी इज कॉल इज देयर, और वो मुझे फ़ोन दे देता है। सो दिस यू कैन ट्राई विथ योर किड्स कि दूसरे किसी नंबर से ये नंबर पे आपको कॉल कर देना है, जहाँ बच्चों को पता नहीं चला है कि किसके कॉल है वहाँ पे ये काम करता है। बच्चे बड़े होने के बाद तो उनको पता चलता है कि मम्मी ही या तो पापा का कॉल आ रहा है, किसी का कॉल आ रहा है। और एक ट्रिक है कि आपका मोबाइल 100% चार्ज कभी भी मत रखिए, थोड़ा जितना लो हो सके, कि थोड़ा देखने के बाद उनको दिखाइए कि बैटरी अभी लो होने वाली है, मम्मा का फ़ोन अभी बंद हो जाएगा बहुत टाइम देखा तो, आई नीड दैट फोन फॉर द चार्जिंग, और उनके हाथ से फ़ोन लेके चार्जिंग पे लगाइए। सो ये बहुत सिंपल ट्रिक्स है, लेकिन दिस रियली वर्क्स, आप ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मोबाइल देखना पसंद कर रहे बच्चे और मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं। अगर बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं तो यू नीड टू वर्क हार्ड कि उनका एडिक्शन कैसे छुड़ाना है। अगर बच्चे मोबाइल पसंद कर रहे हैं देखना आपके, तो थोड़ा बहुत लिमिटेशंस डाल के यू कैन कवर ऑल दिस पॉइंट्स। लेकिन अगर वो बच्चे एडिक्टेड है, मतलब उनसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें उनको मिल रही है लेकिन स्टिल दे आर ऑन मोबाइल, देन यू रियली नीड टू वर्क हार्ड। एंड प्लीज़ ये पॉइंट्स फॉलो कीजिए, क्योंकि दिस इज़ अवर नेक्स्ट जनरेशन विच शुड बी अ हेल्दी, कि उनका आगे फ्यूचर उनके आगे पड़ा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल एंड रेडिएशन वी जस्ट डोंट वॉन्ट टू डैमेज देयर फिजिकल एपियरेंस एज वेल एज देयर हेल्थ। सो प्लीज़ फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, सिंपल बताया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, तो ट्राई कीजिए एंड होप दिस वीडियो इज़ नॉलेजेबल फॉर यू। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल।